नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। सीएपन का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो, कोई हिंदी से ना दूर हो, इंग्लिश के नशे में चूर हो, अपनी मातृभाषा हिंदी हर घर में व्यवहार हो, हिंदी हिंदी शिरमो तो हिंदी का गुणगान हो। सीएफएम का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो। दुर्गापुर का सन ऑफ द सॉयल है डॉक्टर विधानचंद राय। दुर्गापुर स्टील सिटी तैयारी के लिए एंड स्टील प्लांट तैयारी के लिए हम लोगों को रिहैबिलिटेट किया है, बंगला में जो बोलता है पुनर्वासन। एक्चुअली हम लोग आदि लोग है, यहाँ का बासिंदा है। ऑलरेडी उस टाइम से यहाँ का जितना आदिवासी है यहाँ का, एक्चुअली ऑल आर कांग्रेस। इस चलते मेरी छात्र जीवन से हमारा शुरू हुआ ये राजनीतिक चलने का दौड़ में हम उतरा है और आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मेरे बड़े पापा हमारा बंगाल का जो पूर्व प्रेसिडेंट था, कांग्रेस नेता था, उत्तुल घोष का फॉलोअर था, ये दुर्गापुर तैयारी में डॉक्टर बिहान चंद्र राय एंड अतुल घोष ये लोग को साथ में था। तो आपने और जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपने ज्वाइन किया तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जमीन लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ा। एक देखा इस टाइम में जब प्रदेश कांग्रेस का सभापति सोमेन मित्र हमको ये जिम्मेवारी दिया है, तब देखा जे ये डिस्ट्रिक्ट अब लोग थोड़ा पीछा जाइएगा तो देखेगा जे 72 का बाद 77 में जब बामफ्रंट आ गया, तब से इस जिला में कांग्रेस का एक दो सीट व कभी तीन चार सीट कांग्रेस में थे। अविभक्त तो जो जिला बर्धमान पूरा अभी तो पूर्व पश्चिम हुआ है, उस टाइम से कांग्रेस का ज़्यादा ग्रोथ नहीं था यहाँ। आज तृणमूल कांग्रेस पावर में आने के बाद एक साथ में जोट करने के बाद आया था, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस कर्मी को जे वो जोट वो गठबंधन नहीं रहा, ये लोग पावर में आ गया, कांग्रेस पीछा में पीछा ही रह गया। इस चलते हम लोगों का सबका नेता प्रदेश कांग्रेस सभापति सोमेन मित्र जब हमको ये जिम्मेवारी दिया, हम देखा जे इस जिला में कांग्रेस को ठीक ढंग से ठीक जगह पे ले आने होगा, ये सपना हमारा था। इसलिए ये जिला में 17 ब्लॉक है, 17 ब्लॉक, तो हम प्रदेश कांग्रेस मीटिंग में ये हमारा प्रपोजल रखा जिस जिला में करने को लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इस टाइम इसलिए लिया है जो हम जितना आदमी बैठ गया इस सिचुएशन के लिए। आपने भी कहा कि 17 ब्लॉक है, क्या उन ब्लॉक में कमेटी बन गया? सब ब्लॉक प्रेसिडेंट बना हुआ है, वो लोग कमेटी बना रहा है, ज्यादा से ज्यादा कमेटी बन गया है, कुछ बाकी है चल रहा है। ये देखिए जो फील्ड में रहेगा काम करने का है, यूथ लड़का चाहिए,
उस साथ में उम्रदार आदमी चाहिए जो कांग्रेस को आगे से देखा है। देखा जाता है कि हर राजनीतिक दल में मनमुटाव रहता है, आपसी मतभेद रहता है, तो कांग्रेस में भी है, इसको आप कैसे सुलझाइएगा इस मामले को? यही तो कांग्रेस है। कांग्रेस भारतवर्ष में गणतंत्र डिस्ट्रीब्यूट किया। आज यदि उस टाइम कांग्रेस चाहता जो भारतवर्ष में कांग्रेस छोड़ के कोई दल नहीं रहेगा तो इतना दल नहीं रहता। इसलिए कांग्रेस में गणतंत्र है, तब कांग्रेस में कांग्रेस वर्कर बोलने पाता है। अच्छा जी, दो चीज पे विरोध हो रहा है पूरे देश में, जैसे एक कोल ब्लॉक निजीकरण का लेकर और एक पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि का लेकर, इसका लेकर के पश्चिम बंगाल जिला कांग्रेस किस स्टेप का स्टेप ले रहा है, क्या विरोध करेगा? इस तो सारा इंडिया में प्रॉब्लम है। आप लोग दिख रहा है कि कांग्रेस छोड़ के बोलने वाला कोई दल नहीं है। मनमाना चल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है से सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी कर रहा है। इसलिए एक दल जातीय कांग्रेस जिस खाली क्षमता में जाएगा, इरादा नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस आम पब्लिक को बात बोलता है। कोल आपका विचार क्या है? विचार शब्द ध्वंस कर रहा है इंडिया का। सब आदमी तो आज सोच रहा है जे कांग्रेस पावर में नहीं है, लोग सब बीज देगा। हम लोग विरोध करता है, इसलिए हम लोग क्या, आप लोग देखे हैं हम राष्ट्रपति को बोला। देखिए एक बात देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर पूरा आम जनता को वोट में आता है, आम जनों का तक बात सुनना होगा। 62 ईयर ऑफ 62 जब 38 ईयर उसका उम्र था अटल बिहारी वाजपेयी, तब बीजेपी नहीं था, जनसंघ था, तब पंडित नेहरू को कुछ प्रश्न रखा था ना, वो यह बोल देता है कि चल रहा है देश में, वो बोलना चाहता है जो अटल बिहारी वाजपेयी को पार्लियामेंट में उसको क्षमता क्या था, 4 पार्लियामेंट्री था। पंडित नेहरू एकदम इमीडिएट इमरजेंसी वो अधिवेशन बुला लिया जो अटल बिहारी वाजपेयी कोई प्रश्न रखा है उत्तर देने होगा। यही किस लिए बोला ना, एक सदस्य का कोई प्रश्न रहेगा तो बाध्य होता है उसको जवाब उत्तर देने के लिए। लेकिन देखा कभी बीजेपी का सांसद बोला ये चीन कैसे बॉर्डर लाइन पास आ गया, चुक्ति लंघन किया है, बीजेपी को सांसद का उपस्थित का उत्तर नहीं दे रहा है प्राइम मिनिस्टर। सर प्रधानमंत्री जी अभी एक पत्रक जारी किए हैं अपने 6 साल का जो उपलब्धि है उनका, उनके कार्यकर्ता पूरे देश भर में बांट रहे हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या उपलब्धि हो सकता है? अरे उसको क्या उपलब्धि होगा, देश के बारे में जानता है, देश का क्या कृष्टि है, क्या संस्कृति है, जिस ढंग से आया है उस ढंग से चला जाएगा। कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस एक मत दल है जो भारतवर्ष का विश्व दरबार में इसको मान सम्मान रखने के लिए एक मत दल है, उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस एक दल है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इन दिनों कांग्रेस में ग्रुपिज्म है। हमने देखा कि जिस वक्त डीएम ऑफिस में आप एक डिपोरेशन दे रहे थे, उसके दूसरे तरफ एक कुछ लोग कांग्रेस का झंडा लेकर के भी एहतजाज कर रहे थे तेल को लेकर के, उस ट्विटर में क्या कहेंगे? अगर आप लोग दोनों मिलकर देते तो और अच्छा होता। ना ना, कौन कर रहा है कांग्रेस? आम आदमी तो कांग्रेस, आम आदमी कोई जगह में उसको वक्तव्य पेश कर रहा है, कर नहीं सकता है। किंतु जिला का एक प्रोग्राम है डीएम ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रोग्राम क्या है, आम पब्लिक को ही जगह कांग्रेस झंडा लेके उसको बात रखे तो उसको शक जाता है, यही कांग्रेस है। जो लोग ऐसा कर रहे क्या वो कांग्रेस को विरोध कर रहे हैं ना, कांग्रेस को नुकसान? ना कांग्रेस को लिए कर रहा है,
लेकिन उन लोगों को सिस्टम में आना होगा। यदि कोई जान परिचय आदमी है, यदि कांग्रेस सिस्टम में आना चाहेगा तो सिस्टम मेंटेन करना होगा। कुछ दिनों के बाद पब्लिक कोई कांग्रेस को प्यारा है वो कांग्रेस बात बोल नहीं सकता है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिटी हम लोग को साथ में आने के लिए तब डीएम ऑफिस में आता। आम पब्लिक है वो जानता नहीं है, आम पब्लिक तो जानता नहीं है कांग्रेस जिला कमेटी क्या है, प्रदेश कमेटी क्या है, ऑल इंडिया कमेटी क्या है, ये लोग जानता नहीं। आम पब्लिक कांग्रेस को प्यार करता है, इसीलिए उन लोगों को वक्तव्य पेश किया, कहाँ पेट्रोल पंप पे जाता है, कहाँ चढ़ाई पर खड़ा होकर कोई बोलता है, कांग्रेस के बारे में बोलता है, लेकिन वो सिस्टम में आना है बोला तो हमारा साथ में आता है, वो जानता नहीं है। इसीलिए कोई कांग्रेस को क्या सर्कुलर है क्या नहीं है वो लोग तो नहीं जानेगा, उन लोगों का दोष नहीं है। हम एक बात आप लोगों को चैनल में माध्यम में बोलेगा जो कांग्रेस को शक्तिशाली करने को लिए यदि आप लोगों को कांग्रेस करना है कांग्रेस का सिस्टम में आइए। इन दिनों आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं आने वाला असेंबली इलेक्शन में, उसके लेकर तैयारी कैसी है? तैयारी हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग बूथ तक जाने सकते हैं, जाने का कोशिश करता है बूथ तक, जो हमारा नहीं है चल रहा है, हम लोग कोशिश में है। हम लोग एक गठबंधन आप लोग सुन रहा है कोलकाता में बैठा है, वो लोग सर्कुलर दे रहा है जी, हम लोग अगला चुनाव में वामफ्रंट को साथ में जाएगा, ये रास्ता क्लियर है। तो उन लोग तो हम लोग तो बैठ के ठीक कर लेगा, लेकिन हम लोग को कर शक्ति वृद्धि करने को लिए हम लोग बूथ तक ले जा रहा है। कुछ लोगों को कहना कि कांग्रेस टिकट के मामले में चूक कर जाती है, अगर अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए तो फिर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। देखिए हमको जिम्मेवारी देने के बाद कोई हमारा इच्छा इस संगठन को बढ़ाने के लिए हम इच्छा हमारा लिखित हमारा प्रदेश सभापति को दिया है, जे जो काम करेगा ये तो लोकल बॉडी निर्वाचन है कॉरपोरेशन। हम लोग देखता है जे एकदम बूथ में जाओ, हम लोग एक फॉर्मेट किया है वो वार्ड 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 चुन रहा है कौन है किसको क्लियर इमेज है, पब्लिक को साथ में रिलेशन कैसा कैसा है वार्ड में, बोल बोला है आदमी को पास जाता है उसको सुख दुख का खबर लेता है। ये सब यंग लड़का उम्रदार लड़का ये आदमी ये सब हम लोग ढूंढ रहा है, उन लोगों को टिकट मिलेगा। ऊपर से कोई आने नहीं सकेगा, कोई ऊपर से दे देगा तो हमारा जिम्मेवारी नहीं है, हम प्रदेश कांग्रेस को बोल दिया। प्रदेश कांग्रेस का यही दबा रखा है जो हम लोग जो खाटेगा जो रहेगा जो सिस्टम में रहेगा वही पार्टी होगा, वही चुनाव में कैंडिडेट होगा। प्रीवियस इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कुछ कुछ काउंसिलर कांग्रेस का टिकट पर जीते हैं, उसके बाद जीतने के बाद वो टीएमसी में चले गए। इसीलिए तो आप देखा नहीं जब अधीर चौधरी हमारा पार्लियामेंट का लीडर जब प्रदेश सभापति था दुर्गापुर में सीट में एक कांग्रेस काउंसिलर को टिकट दे दिया विधानसभा में, हम जब बोला जे चला जाएगा सुना नहीं, हमारा गोला का जोर तो ज्यादा नहीं है, उन लोग को ज्यादा है। हमारा वक्त वो पेश किया था, हम लोग जो बोला था वही हुआ है, वो जीत गया वो चला गया जहां से आया था, वो भूल हम लोग नहीं करेगा। पार्टी के बहुत सारे जो पुराने लोग हैं कांग्रेस के वो कांग्रेस में जुड़ नहीं पा रहे, उनके लिए क्या मैसेज है? क्या जुड़ नहीं पा रहा है कांग्रेस के जो यंग सीनियर नेता है? हाँ। वो आपके साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं एकदम खुले आम आइए, वो लोग को आप लोग को चैनल के माध्यम में बोल रहा है हमारे साथ में किसी को दुश्मनी नहीं है, कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने को लिए एकदम दर्जा खोला है कांग्रेस को लिए, आइए चलिए एक साथ में कांग्रेस को शक्तिशाली करें, ये हम लोग को मोटा है। आखिर क्वेश्चन है कि अभी भी हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं, कुछ लोग कोरोना को लेकर बड़ा मायूस हो गए हैं, उसके लिए क्या मैसेज है? उन लोग तो हम लोग तो बोला है जे हर रोज हमारा
पूरे कांग्रेस के डायरेक्शन में हम लोग एक पेट्रोलिंग टीम किया है, जहां खबर आएगा तो चला जाएगा। जो आदमी को पास खाना नहीं है, खबर आएगा उसको पास खाना लेके जाएगा। हम लोग जितना दिन लॉकडाउन चलेगा, हम लोग जैसे शुरू से किया है लास्ट तक हम लोग काम करके करते जाएगा। आपने हम लोगों से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।